बाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, सर्वे की इजाजत दे दी, वही मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। हालांकि आज सर्वे की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष पिटीशन फाइल कर रही है। मैं समझती हूँ स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए और अपना प्रस्ताव उच्च स्तरीय कोर्ट में ले जाने के लिए स्वतंत्र है। जुडिशरी एक बहुत बड़ा स्तंभ रहा है लोकतंत्र का, और भारत का जो लोकतंत्र है उसने सर्वोच्च अगर किसी को स्तंभ मान रखा है तो वो जुडिशरी है। मुस्लिम पक्षकारों को जब हाईकोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि ASI इसमें बिना किसी मतलब धर्म निरपेक्षता के साथ इस विषय की जांच करे, इस पूरे परिसर को जो है, इसके साक्षियों को जो है उसका उन्मूलन करे, तो मुझे लगता है कि ये मुस्लिम पक्षकार का भी फर्ज बनता है कि वो इस जांच में उनका सहयोग करें। परंतु अगर वो समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में उनको लगता है कि जा करके और वो हो जाएगा तो ठीक बात है, वो जा सकते हैं, दे आर फ्री टू डू सो। पर हर व्यक्ति को जो है बजाय इस पे कि जो है ये कोर्ट का आदेश नहीं मानने का जो वो है, मुझे लगता है ये बात गलत है, उनको भी भाई जांच का सहयोग करना चाहिए। मैं बिल्कुल वही बात कह रही हूँ, यही बात कह रही हूँ कि जो है ठीक है हर व्यक्ति स्वतंत्र है इस भारत में, एवरीबॉडी हैज द फंडामेंटल राइट टू गो एंड अपील टू द सुप्रीम एपेक्स कोर्ट, बट दे शुड ऑल्सो जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है उसकी गाइडलाइन भी फॉलो करनी चाहिए। हाईकोर्ट कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है। तो जो है इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पक्ष को इसमें आगे बढ़ के खुद प्रस्ताव रखना चाहिए कि उनसे एक ऐतिहासिक भूल हुई और प्रस्ताव रख के उसमें किस तरह की क्या चीज़ें में सुधार किया जा सकता है, अब उनको खुद आगे आना चाहिए क्योंकि जो इससे पहले का जो सर्वे था उसमें जो साक्ष्य मिले थे वो बताते हैं कि वहाँ कैसे मस्जिद हो सकती है, क्योंकि जो साक्ष्य थे वो त्रिशूल था जो कर लिखा। मैं समझती हूँ, देखिए वहाँ सबसे बड़ी बात तो हर व्यक्ति जो भी जिसने भी भारतीय इतिहास को थोड़ा भी पढ़ा होगा और हिंदुत्व के बारे में थोड़ा भी अगर जो है जानता होगा तो जहाँ भी नंदी है वहाँ क्या है सबको पता होता है, नंदी शिव के ही समीप होता है, नंदी अकेले कभी नहीं होता, नंदी हमेशा शिव के समीप में होता है। तो ऐसे कई सारे साक्ष्य हैं जो जो है योगी जी ने भी बताए हैं कि वहाँ पर त्रिशूल है और काफ़ी सारे हैं जो ये बताता है और दर्शाता है, परिलक्षित करता है कि वहाँ किसी न किसी समय शिवालय रहा होगा। तो मैं समझती हूँ क्योंकि ये जांच का विषय है और इस पर हाईकोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं, तो उस सभी भारतवासियों के लिए हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सर्वप्रथम है, और हम सभी को एज भारत के लोगों को जो है ये मानना चाहिए। योगी ने जो अपील करी है कि प्रस्ताव रखने की बात करी है कि ऐतिहासिक मान जो भी वो वर्तमान उसको ना भुगते उसको सही करने की और जरूरत है। देखिए ये जो जांच का विषय है मैं बार बार कह रही हूँ, और हर व्यक्ति भारत में अपनी फंडामेंटल ओपिनियन रखने के लिए भी उसके पास फंडामेंटल राइट है, अपनी कोई भी अभिव्यक्ति के लिए भारत में व्यक्ति स्वतंत्र है, वो चाहे किसी भी गणमान्य पोस्ट पर हो चाहे वो आम नागरिक हो, ये फंडामेंटल राइट सभी को है। तो मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी एक राय रखी है, उनका ये अपना सोचना है कि वहाँ पर जो साक्ष्य हैं, और मैं भी यही बात कह रही हूँ कि हिंदू लिटरेचर के हिसाब से किसी ने भी अगर पढ़ा हो तो वहाँ पे कई ऐसे साक्ष्य हैं कि वहाँ पर ये बताते हैं कि शिवालय रहा है, परंतु क्योंकि ये जांच का विषय है और हम भारत के लोग हैं, हम लोग भारत की जो जुडिशरी है उसको सर्वमान्य मानते हैं क्योंकि लोकतंत्र इसी पर टिका हुआ है, तो हम उसके आदेशों का पालन करें और जो भी चीज़ें हैं जो भी साक्ष्य हैं उसका उन्मूलन जब अच्छी तरीके से हो जाएगा तो मुझे लगता है सब कुछ हम सबके सामने आ जाएगा। Yes.